हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में नॉन टीचिंग के 638 पदों के बारे में बताने वाला हूं। 638 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश में आया है। यदि बैंक में आप नौकरी करना चाहते हैं तो 638 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैनल का नाम पहले UGC नेट क्रेकर था, लेकिन इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता था, इसलिए इस चैनल का नाम चेंज करके न्यू नाम दिया गया है GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू। दूसरी बात कि व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पदों के बारे में। तो देखिए, कुल 638 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10 मार्च 2023 से शुरू है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2023 है। इस पद के लिए एप्लीकेशन शुल्क की बात करते हैं तो एप्लीकेशन शुल्क में जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए ₹250 एप्लीकेशन शुल्क हैं। SC ST PH कैंडिडेट के लिए जनरल OBC और EWS के लिए ₹500 एप्लीकेशन शुल्क हैं और SC ST PH कैंडिडेट के लिए ₹250 एप्लीकेशन शुल्क हैं। इसके साथ में आपको GST लगेगा 18%। एक बार फीस पे करने के बाद रिफंड नहीं होगा। इसके बाद एग्जाम से रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और एग्जाम होने से 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। इसके लिए इंटरव्यू के लिए या एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आएगा और एग्जाम जो है, परीक्षा जो होने वाली है, इसके बारे में सिलेबस मैं नीचे वीडियो में बताऊंगा इस पद के लिए सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी आई है कहाँ पे आया है और किस पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो 35 डिस्ट्रिक्ट में यानी 35 जिले में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मध्य प्रदेश में आवेदन आमंत्रित किया गया है और यह जो 638 पद हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले में, जो 35 जिले हैं इस जिले के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और कुल 638 पद हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दी गई है, टेलीफोन नंबर से आप बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट का मिल जाएगा आपको, जहाँ से डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर एक बार चेक कर लीजिए कि वेबसाइट का लिंक, आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का सभी लिंक मिलेगा और आपकी इच्छा हो तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुल पदों के बारे में कि कितने पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और किस कैटेगरी में पद हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी डिटेल जानकारी आपको बताई जाएगी इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को आगे पीछे करके अंत तक आप देख सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड सेकेंड में कुल 35 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, इधर कैटेगरी वाइज पद दी गई है। फाइनेंशियल एनालिस्ट सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड सेकेंड में 35 पद हैं और 35 पद ही ओपन कैटेगरी में हैं। मार्केटिंग ऑफिसर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड सेकेंड में 29 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इंटरनल ऑडिटर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड सेकेंड में 25 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इंटरनल इंस्पेक्टर के लिए कुल 17 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसी तरह से ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए 12 पद हैं, ब्रांच इंस्पेक्टर के लिए 17 पद हैं, ब्रांच मैनेजर के 367 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। इसमें कैटेगरी वाइज डिटेल पद के बारे में जानकारी दी गई है। असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड सेकेंड में 27 पद हैं, सब इंजीनियर के लिए 8 पद हैं, स्टैटिकल ऑफिसर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड में 15 पद हैं, अकाउंटेंट के 38 पद हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर टू मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड सेकेंड में 13 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से 638 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है और कैटेगरी वाइज डिटेल वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश के जिले हैं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 35 जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, और इन 35 जिलों में जिले का नाम दिया गया है और किस जिले में कितना पद है इसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। यहाँ पे देखिए 35 जिले हैं, यहाँ पे बैंक का नाम दी गई है शॉर्ट में DCCB में जो बैंक हैं, इसमें कहाँ कहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं, तो यह डिटेल जानकारी आपको देखना है क्योंकि जिलेवार हैं। ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, धार, इंदौर सहित खंडवा, भोपाल, बैतूल, राजगढ़, विदिशा सहित विभिन्न जिले में यह आवेदन 35 जिले में दी गई है। और यह जो 35 जिले हैं दूसरी बैंक के लिए, जैसे जो दूसरा जो हमारा पद है इंटरनल इंस्पेक्टर के लिए, तो उनके लिए भी ये जिले के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। तो आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले
सभी पदों के बारे में आपको चेक करना है कि किस जिले में कितना पद हैं और किस जिले में आपके लिए सूटेबल हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, एग्जाम देने के लिए, एग्जाम करने की दृष्टि से कौन सा आपके लिए बेस्ट है। यह सब डिटेल जानकारी देखकर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें सभी डिटेल जानकारी रिक्वायर होगी कि आप किस जिले में अप्लाई करना चाहते हैं। अब मेन बात है क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि आपके जो भी क्वालिफिकेशन है फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, और इसमें जो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए हैं इसमें भी बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले एमसीए वाले फर्स्ट डिवीजन इक्विवेलेंट हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बैंक में आरबीआई लाइसेंस बैंक में यदि किसी के पास है कोई एक्सपीरियंस है तो उनको लिए प्रेफर किया जाएगा। फाइनेंशियल एनालिस्ट सीनियर मैनेजमेंट के लिए क्वालिफिकेशन में सीए या आईसीडब्ल्यूए या एमबीए फाइनेंशियल रिलेटेड फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, रेगुलर पोस्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम हो, रेगुलर पोस्ट हैं। इसी तरह मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी एमबीए मार्केटिंग से रिलेटेड 2 साल का रेगुलर कोर्स होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन में। इंटरनल ऑडिटर के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है, यानी सीए आईसीडब्ल्यूए या एमबीए फाइनेंस फर्स्ट डिवीजन है। इसके अलावा ब्रांच मैनेजर के लिए भी एमबीबीए फाइनेंस से रिलेटेड 2 साल का रेगुलर बेसिस पे कोर्स होनी चाहिए और फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, सभी पद के लिए फर्स्ट डिवीजन है। इसी तरह इंटरनल इंस्पेक्टर के लिए भी एमबीए है फाइनेंस में, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए एमबीए फाइनेंस में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। इस तरह से ब्रांच इंस्पेक्टर के लिए भी एमबीए फाइनेंस में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर के लिए भी क्वालिफिकेशन एमबीए फर्स्ट डिवीजन है। सब इंजीनियर के लिए जो क्वालिफिकेशन है सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। कंप्यूटर प्रोग्रामर सेकेंड के लिए जो है डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इसमें कॉलेज का नाम नहीं दिया है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अकाउंटेंट के लिए जो पद है फाइनेंस में 2 ईयर का रेगुलर कोर्स होनी चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, कम से कम फर्स्ट डिवीजन है। एमकॉम साथ में स्टेटिक्स हैं फर्स्ट डिवीजन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेटिकल ऑफिसर के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है, फाइनेंस में 2 साल का रेगुलर कोर्स होना चाहिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से और फर्स्ट डिवीजन क्वालिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं सैलरी से रिलेटेड डिटेल जानकारी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केटिंग ऑफिसर, इंटरनल ऑडिटर के लिए जो सैलरी है 42,700 से लेकर 135,100 रुपये पर मंथ हैं। ब्रांच मैनेजर, ब्रांच इंस्पेक्टर, इंटरनल इंस्पेक्टर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए सैलरी 36,200 से लेकर 144,800 रुपये हैं। इसके अलावा असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर, सब इंजीनियर, स्टेटिकल ऑफिसर, अकाउंटेंट एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 32,800 से लेकर 103,600 रुपये पर मंथ हैं। ये तो हो गई सैलरी के बारे में। अब ये जो सैलरी है आपको 7 पे के हिसाब से मिलने वाला है, और 6 पे के बारे में भी डिटेल जानकारी दी है। तो 6 पे वही है जो 9,300 से लेकर 34,800 हैं सभी पद के लिए। तो ये डिटेल जानकारी आपको सभी पद के लिए यही सैलरी है 6 पे के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए इस पद के लिए। तो देखिए 18 साल हैं आपके, 18 से लेकर और 40 साल एज पूर्ण होनी चाहिए, और 9/4/2023 तक यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने तक आपको एज लिमिट देखना है सभी पद के लिए। एज लिमिट में जो छूट हैं अपर एज लिमिट वो अप्लीकेबल हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि हमसे पूछा जाता है कि यह वैकेंसी सरकारी नौकरी के लिए है या गवर्नमेंट नौकरी के लिए है या नहीं है। तो बात यह है कि जिस वैकेंसी में पे स्केल, पे लेवल, सब डिटेल जानकारी दी होती है, और इसमें न सरकारी की नौकरी के बारे में डिटेल जानकारी दी है और न प्राइवेट नौकरी के बारे में, तो उसको सरकारी नौकरी ही माना जाता है जिस तरह से ग्रेड पे है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि यह प्राइवेट नौकरी है, और ये भी नहीं लिखा है कि यह सरकारी नौकरी है। तो इस तरह से यह सरकारी नौकरी ही एक तरह से माना जाएगा। दूसरी बात कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, 9 अप्रैल 2023 से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है, और साथ में आपको डॉक्यूमेंट भी लगाना है। एप्लीकेशन शुल्क की हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन शुल्क आपको ऑनलाइन ही पे करना है, ऑनलाइन किसी भी मोड से आपको एप्लीकेशन शुल्क पे करना है। दूसरी बात कि जो आपके क्वालिफिकेशन है उसकी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो उसको आपको स्कैन करके केबी में बना लेना है, और यह डिटेल जानकारी देखना है कि कितने केबी का आपका होना चाहिए डॉक्यूमेंट, जिससे कि आप इजी तरीके से अपलोड कर लें। अब हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम सेंटर के बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश में 5 सेंटर बनाया गया है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन। इन 5 जगह में कहीं भी आप अपने एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए सेंटर चूज कर सकते हैं, जहां पे आपको नज़दीक हो, जहां पे आप एग्जाम देना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक का नाम दिया गया है, डिटेल जानकारी दी गई है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैं इसमें बात करूँगा आपको एग्जाम पैटर्न जो सिलेबस है इसके बारे में, जिसको मैं आगे निकाल दिया था कि सिलेबस में आपको लास्ट में बताऊँ। तो हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। यहाँ से देखिए सिलेबस है आपके, तो एग्जाम पैटर्न में जो है प्रोफेशनल नॉलेज जो है आपके जो सब्जेक्ट का है, इसको प्रोफेशनल नॉलेज बोलते हैं, प्रोफेशनल ज्ञान बोलते हैं। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड 40 प्रश्न पूछा जाएगा और 40 अंक का होगा। रीजनिंग से रिलेटेड 40 है, 40 अंक का होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज 40 प्रश्न, 40 अंक का है। जनरल अवेयरनेस है जो 40 प्रश्न है, 40 अंक का है। और ये जो पेपर है, स्टार्टिंग के जो पेपर हैं 3 और 33 मिनट आपको मिलेगा। और क्वान्टिटी एटीट्यूड के लिए जो आपका है, यानी 20 मिनट आपको मिलेगा, इसके लिए 30 मिनट हैं। और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 20 मिनट मिलेगा। इस तरह से 140 मिनट का पेपर है, 200 अंक का है, और 200 अंक का आपका पेपर होने वाला है। डिटेल जानकारी के लिए क्या करना है कि आपको एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। यदि एग्जाम में आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि